जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के द्वारा सोमवार को सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनसुनवाई की, जहां जिले से कई फरियादी सबसे ज्यादा भूमि विवाद से संबंधित समस्या लेकर पहुंचे, जिनकी सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग को निस्तारण के लिए कहा गया। फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करके विधिक निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा। जिले के चकिया क्षेत्र के शिकारगंज में मानसून के शुरुआत में अच्छी बारिश न होने से पर्वतीय वन क्षेत्र में स्थित बांधों के जलाशयों में पानी की कमी हो गई है। इस समय नौगर बांध के संरक्षित पानी से कर्मनाशा सिस्टम की नहरें चलाई जा रही है। मूसाखार बांध के जल शून्य हो जाने से यह स्थिति बनी है। वहीं चंद्रप्रभा बांध से पानी छोड़कर चंद्रप्रभा सिस्टम की नहरों का संचालन किया जा रहा है। कर्मनाशा सिस्टम के मूसाखार बांध का पानी नहरों के संचालन से खत्म हो गया है। जिले के नौगर क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण दो साल से अटकी हुई है। भैसोढ़ा बांध के पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध करीब 600 किमी पाइपलाइन के जरिए 93 गांवों में घर घर पहुंचाने योजना मियाद बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल योजना से जुड़े 90% काम वन भूमि पर होने हैं। पाइपलाइन बिछाने के साथ टंकियों का निर्माण कराया जाना है। कार्यदायी संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी कई बार वन विभाग को पत्र लिख चुकी है, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिली। ऐसे में जल निगम ग्रामीण ने परियोजना की अवधि बढ़ाकर मार्च 2025 कर दी है।